दोस्तों, बैलगाड़ी से लेकर रेलगाड़ी तक का सफर भले ही धीमा रहा हो, पर रेलगाड़ी से आगे का सफर बहुत ही फास्ट हो चुका है। इतना कि घर बैठे आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। दोस्तों, अभी तक तो आप लोगों ने सिर्फ नॉर्मल ही ट्रेन में सफर किया होगा, पर दोस्तों आज मैं आपको दुनिया के कुछ ऐसे मॉडर्न और हाई स्पीड ट्रेन के बारे में बताने वाला हूं, जिनको देखकर आप भी जरूर कहेंगे कि दुनिया का भविष्य बदलने वाला है, क्योंकि इनकी स्पीड और टेक्नोलॉजी बहुत ही फास्ट एंड एडवांस हो चुकी है। और कुछ तो ट्रेन ऐसे भी है जिसके स्पीड सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। तो चलिए दिखा आते हैं कौन से ऐसे दुनिया के 10 सबसे हाई स्पीड ट्रेन है। नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज, आपका इस चैनल में स्वागत है। और ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1 पे आता है ट्रांस रैपिड 07। दोस्तों, इस लिस्ट की शुरुआत होती है जर्मनी की फास्टेस्ट ट्रेन ट्रांस रैपिड 07 से। यह एक हाई स्पीड मोनो रेल ट्रेन है जो कि मैग्नेटिक लेविटेशन की मदद से तेज गति से चलती है। दोस्तों, आगे लिस्ट में मैग्नेटिक लेविटेशन के बारे में काफी कुछ सुनने वाले हैं, इसलिए आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दूं कि इनकी मैकेनिज्म में ट्रेन एक टाइप ऑल मैग्नेट की तरह काम करती है और रेलवे ट्रैक मैग्नेट की तरह काम करता है, जिस वजह से ट्रेन ट्रैक पर लेविटेट करते हुए हाई स्पीड से दौड़ने लगती है। इस ट्रेन को पहली बार 1993 में जब टेस्ट किया गया था, तब इस ट्रेन की हाई स्पीड 450 किलोमीटर प्रति घंटा मापी गई थी। दोस्तों, 167 लंबी यह ट्रेन 175 किलोमीटर को 53 मिनट में तय कर सकती है। नंबर 2 पे आता है CRS 380BL। दोस्तों, ये 16 डिब्बों वाली इस हाई स्पीड ट्रेन को चाइना में 2010 में लॉन्च किया गया था। जब इसे लॉन्च किया गया था, तब इसकी हाई स्पीड देखकर चाइना के लोगों में तहलका सा मच गया था। दोस्तों, इस ट्रेन का डिजाइन बिल्कुल सांप की तरह बनाया गया है। दरअसल शेप को एरोडायनामिक शेप कहा जाता है, और इस शेप की वजह से यह ट्रेन हवा को चीरते हुई इतनी तेज गति से भाग पाती है। दोस्तों, जब इसका स्पीड टेस्ट किया गया था, तब इस ट्रेन ने सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। तब इस ट्रेन की गति करीब 487 किलोमीटर प्रति घंटा मापी गई थी, जो कि उस वक्त के हिसाब से काफी ज्यादा मानी जाती है। आपको बता दें, इस ट्रेन ने उस टाइम पर चाइना के न्यूज हेडलाइन पर अपनी जगह बना ली थी, ना कि सिर्फ स्पीड के लिए बल्कि अपनी बनावट के लिए भी अपनी जगह बना ली थी। दोस्तों, इंजीनियर के द्वारा इनके डिजाइन को रिसर्च करके बनाया गया था। नंबर 3 पे आता है शंघाई मैगलेव ट्रेन। दोस्तों, एक बार फिर चाइना हाई स्पीड ट्रेन के लिस्ट में अपनी जगह बना चुकी है। वैसे इस ट्रेन को जर्मनी टेक्नोलॉजी की वजह से बनाया गया था। दोस्तों, आपको बता दें, यह ट्रेन भी ट्रैक पर लेविटेट करते हुए चलती है, जिससे कि यह हाई स्पीड बड़े ही कम समय में हासिल कर लेती है। इस ट्रेन को कमर्शियल पर्पस के लिए सन 2004 में लॉन्च किया गया था। आपको बता दें, शंघाई मैगलो चाइना की सबसे पुरानी कमर्शियल ट्रेन में से एक है, जो कि शंघाई में आज भी चल रही है। यह ट्रेन दूसरे यात्रियों को बैठाकर यह ट्रेन करीब 431 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ती है। वही इस ट्रेन को बिना यात्रियों के टेस्ट किया गया तो इसकी टॉप स्पीड लगभग 501 किलोमीटर प्रति घंटा मापी गई थी, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा मानी जाती है। नंबर 4 पे आता है TGV अटलांटिक। दोस्तों, इस ट्रेन को फ्रेंच मॉन्स्टर के नाम से भी जाना जाता है। यह ट्रेन करीब 515 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। आपको बता दें, इस ट्रेन को फ्रेंच मेडिटेशन कंपनी अलस्टोम द्वारा बनाया गया था। दोस्तों, यह ट्रेन 780 फुट लंबी और करीब 444 टन वजन की है। आखिर समझ ही गए होंगे कि इसे फ्रेंच मॉन्स्टर क्यों कहा जाता है। दोस्तों, इस ट्रेन में काफी पावरफुल मोटर लगाया गया है, जिस वजह से यह भारी भरकम होने के बावजूद भी इतनी तेजी से दौड़ती है। पर दोस्तों, शुरुआत में ऐसा बिल्कुल नहीं था। लॉन्च के कुछ साल बाद ट्रेन के शेप को मॉडिफाई किया गया और इसमें बड़े चक्के लगा दिए गए, जिसके बाद यह ट्रेन इतनी तेज स्पीड से चलने लगी। नंबर 5 पे आता है ML 500। दोस्तों, यह पूरी दुनिया की सबसे यूनिक और नायाब ट्रेन है, और इस ट्रेन की हिस्ट्री भी थोड़ी पेतीजा है। आपको बता दें, ML 500 को साल 1977 में जापान में बनाया गया था, और इस ट्रेन को पूरी तरह एक्सपेरिमेंट पर्पस पर बनाया गया था। साथ ही आपको बता दें, यह टेस्ट मॉडल है, और इसको बनाने के पीछे का उद्देश्य यह पता करना था कि आधुनिक ट्रेन की स्पीड आखिर किस तरीके से बढ़ाया जा सके। दोस्तों, 13.5 मीटर लंबे इस ट्रेन को म्यांजिक मैगलेव ट्रेन रूट पर टेस्ट किया गया था, जहां इसने करीब 517 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को हासिल किया था, जो कि अपने आप में काबिले तारीफ है। दोस्तों, इस ट्रेन के मैकेनिज्म को यूज करने के बाद काफी फास्ट ट्रेन बनाए गए थे, जो कि आगे लिस्ट में देखने वाले हैं। नंबर 6 पे आता है TGV POS। दोस्तों, यह हाई स्पीड ट्रेन पूरी तरीके से बिजली पर चलती है, और इस ट्रेन के अंदर 26,300 हॉर्स पावर वाले दमदार मोटर लगे हुए हैं। इसी वजह से यह 7 पर मौजूद TGV अटलांटिक को हराकर सबसे फास्ट ट्रेन TGV ट्रेन बन चुकी है। और दोस्तों, इस ट्रेन की स्पीड टेस्ट पेरिस टर्बोज रूट पर किया गया था।
जहां इसकी स्पीड 571 किलोमीटर प्रति घंटा मापी गई थी। दोस्तों इस ट्रेन की स्पीड से चलने के पीछे कई सारे कंपोनेंट्स का हाथ है, जैसे कि इस ट्रेन में 3 डुप्लीकेट कार और 2 पावर कार, बड़े आकार के चक्के और मॉडिफाइड कैटेनरी वोल्टेज जैसी कई आधुनिक चीजें लगाई गई हैं। दोस्तों इस ट्रेन को एलस्टोन कंपनी के द्वारा बनाया गया और इसे फ्रेंच नेशनल रेलवे कंपनी के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। नंबर 7 पे आता है MLX012। दोस्तों मैग्नेटिक लेविटेशन पर चलने वाली इस ट्रेन को मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्री के द्वारा बनाया गया है। दोस्तों यह ट्रेन 9 एक्सपेरिमेंट ट्रेन में से एक है, जिसे यामानासी मैगलेव रूट पर टेस्ट किया गया था। जब इसका टेस्ट किया गया था तब इसकी स्पीड करीब 581 किलोमीटर प्रति घंटा मापी गई थी। दोस्तों इस ट्रेन में टोटल 3 ही कंपार्टमेंट है, जिस वजह से यह 0 से 581 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड कुछ ही मिनटों में हासिल कर लेती है और इसका शेप एरोडायनामिक की तरह ध्यान में रखकर बनाया गया है, ताकि यह ट्रेन हवा को आराम से चीरते हुए निकल सके। दोस्तों 28 मीटर लंबी यह ट्रेन को पूरी तरह से एल्युमिनियम अलॉय से बनाया गया है और इसे काफी मॉडर्न लुक भी दिया गया है। नंबर 8 पे आता है मैगलेव बुलेट ट्रेन। दोस्तों चाइना रेलवे रोलिंग स्टॉक कारपोरेशन के द्वारा बनाई गई यह ट्रेन किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है। यह ट्रेन करीब 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने की क्षमता रखती है, जो कि सुनने में बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है। दोस्तों CRRC इस तरह की हाई स्पीड ट्रेन बनाने के लिए मशहूर मानी जाती है और यह उनके द्वारा बनाई गई सबसे फास्टेस्ट लेविटेशन ट्रेन है। अगर इसकी डिजाइन की बात करें तो मॉडर्न लुक को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और इस ट्रेन को फ्यूचरिस्ट डिजाइन दिया गया, जो कि देखने में काफी शानदार लगता है। दोस्तों बाकी ट्रेन के मुकाबले इस ट्रेन से काफी कम नॉइस पोल्यूशन होता है और इसे कम मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। नंबर 9 पे आता है SC मैगलेव L0 सीरीज। दोस्तों जापान ने ट्रेन की लिस्ट में एंट्री मार कर अपनी बेहद सुपर फास्ट L0 सीरीज ट्रेन को लॉन्च किया। साथ में यह ट्रेन देखने में जितनी शानदार है उतनी तेज इसकी स्पीड भी है। यह ट्रेन करीब 630 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। दोस्तों इस ट्रेन को इलेक्ट्रिकली चार्ज मैग्नेट की मदद से चलाया जाता है। आपको बता दें कि स्टार्टिंग में यह ट्रेन चक्कों पर चलती है, पर थोड़ी स्पीड पकड़ने के बाद इसके चक्के ऊपर की ओर उड़ जाते हैं और यह ट्रेन अपने पावरफुल मैग्नेट की वजह से हवा में लेविटेट करते हुए चलती है। दोस्तों इसके मैग्नेट इतने पावरफुल हैं कि यह ट्रेन पटरी के ऊपर 4 इंच ऊपर उठा देती है। सबसे लास्ट में नंबर 10 पे आता है XP2 वर्जन हाइपर लूप। दोस्तों इस ट्रेन को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि यह ट्रेन हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन का फ्यूचर होने वाला है। दोस्तों यह ट्रेन इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन और मैग्नेटिक लेविटेशन की मदद से एक बड़े से वैक्यूम से होकर गुजरती है और इस मैकेनिज्म की मदद से यह ट्रेन आराम से 1223 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है। दोस्तों इस ट्रेन की स्पीड एरोप्लेन से भी काफी ज्यादा है, पर इस ट्रेन की टिकट का दाम एरोप्लेन के टिकट से भी आधे से भी ज्यादा कम है। दोस्तों इसीलिए कहा था यह ट्रेन हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन का फ्यूचर होने वाली है। दोस्तों अगर आपको मौका मिले तो इन ट्रेनों में से आप किस ट्रेन में सफर करना चाहेंगे, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।